पानीपत में कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। अवैध रिश्तों में रोड़ा बन रहे शख्स को उसी की पत्नी ने ताना बाना बुन साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया। पानीपत पुलिस की गिरफ्त में आई ये महिला और ये युवक उस संगीन गुनाह के आरोपी हैं जिसके लिए पुलिस इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कह रही है। दरअसल ये आपस में रिश्तेदार हैं और महिला रिश्ते में इस युवक की चाची लगती है, लेकिन इसी के साथ यानी अपने भतीजे के संग इसके अवैध संबंध कायम हो गए और अब उन संबंधों के बीच रोड़ा बन रहा था इसका पति और युवक का चाचा धूप सिंह, जिसे रास्ते से हटाने के लिए इन दोनों ने ऐसी साजिश रची कि पहले नशा देकर सबको बेहोश कर दिया और फिर इसी महिला ने इस युवक यानी अपने आशिक भतीजे के साथ मिल अपने ही पति का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामला चांदनी बाग इलाके से जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने इसको 20 रास्ते से हटाने की योजना बनाई दोनों ने और इन्होंने ये लड़का जो था इसका भतीजा था लेडी का, ये नशे की गोलियां लेके आया और उसको ला के दी मृतक की पत्नी को और मृतक की पत्नी ने उसको बियर के अंदर नशे की गोलियां मिला के दे दी और बाकी जो घर के सदस्य थे बुजुर्ग थे उनको चाय में गोलियां मिला के दे दी। सभी गहरी नींद सो गए और 11 बजे उसने उस लेडी ने अपने जो उसका भतीजा था उसको मैसेज करके फ़ोन के ऊपर और उसको बुलवा लिया और फिर दोनों ने चुन्नी से और गला दबा के इसके औरत ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर सो गए और सुबह उठ के फिर इन्होंने सूचना दी। और बड़ी अचंभे की बात है कि जो हत्यारा था वही सुबह मीडिया को भी बाइट दे रहा था और वो बड़ा विक्टिम बना हुआ था कि वही हमारे घर में मेरे चाचा की हत्या हो गई। फिलहाल पुलिस सचिन को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले चुकी है, वहीं आरोपी पत्नी को भी न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है।